हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसकेयू डिजिटल क्लासेस। माय नेम इज आकाश खरे, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी, छतरपुर, मध्य प्रदेश। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टिलेज एंड टाइप्स ऑफ टिलेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टिलेज क्या होता है। तो टिलेज इज द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सोइल विथ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग कंडीशंस आइडियल फॉर सीड जर्मिनेशन, सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट एंड ग्रोथ ऑफ क्रॉप। यानी टिलेज जो है भूपरिष्करण है। भूपरिष्करण एक यांत्रिक मैनिपुलेशन, मतलब यांत्रिक तरीके से किस प्रकार से हम भूमि को किस प्रकार भूमि से भूमि को बुवाई के योग्य बनाएं, ताकि उसमें सीड का जो इंसर्टेशन है, जो सीड जो जाए, वो उसकी ग्रोथ अच्छी तरह से हो पाए। अब मानते हैं टिलेज को, तो ये जो भूपरिष्करण है, तो भूपरिष्करण का जो जनक या फादर ऑफ टिलेज जेथ्रो टुल को कहा जाता है। इन्होंने मुख्यतः दो चीज़ों का आविष्कार किए हैं, जिसमें सीड ड्रिल और हैंड हो वीडिंग जो होता है, वो उन्होंने इसके आविष्कार किए थे। इन्होंने एक बुक भी पब्लिश की है जिसको हॉर्स हो हस्बेंड्री नाम से जाना जाता है। अब अगला पॉइंट आता है टिल्थ। तो देखेंगे टिल्थ क्या होता है। तो टिल्थ इज़ द फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल। जो मिट्टी को हम देख पाते हैं भूपरिष्करण या टिलेज करने के बाद, जो भी क्रियाएं हम करते हैं, वो उसकी जो फिजिकल कंडीशन है या फिजिकल कंडीशन हम देख पा रहे हैं, वो टिल्थ कहलाते हैं। अब टिल्थ में जो सॉइल के एग्रीगेट्स होते हैं, वो कोर्स भी हो सकते हैं, फाइन भी हो सकते हैं और मॉडरेट भी हो सकते हैं। अब इसके बाद आगे आएंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टिलेज, मतलब भूपरिष्करण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला है टू प्रिपेयर गुड सीड बेड, मतलब बीज को एक उचित माध्यम देना ताकि बीज का अंकुरण अच्छी प्रकार से हो सके। दूसरा है ड्रू कंट्रोल वीड्स इफेक्टिवली, मतलब जो खरपतवार हैं उसका नियंत्रण अच्छी प्रकार से किया जा सके। अब खरपतवार का नियंत्रण कैसे अच्छी प्रकार भूपरिष्करण के द्वारा किया जाता है, एक इसका उदाहरण देखते हैं कि अगर भूमि में कल्टीवेटर का यूज़ करेंगे, तो जो वहाँ जो उसमें खरपतवार होंगे उसको जुताई के द्वारा हटाया जा सकता है। टू मिक्स अप द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, अब भूमि में गोबर की खाद हुआ या खादें मिलाने के लिए हम उसमें सबसे पहले खाद बिखेर देते हैं और कल्टीवेटर के सहारे से उसको चारों तरफ या पूरे फील्ड में फैला सकते हैं। अब अगला पॉइंट है टू क्रिएट कंडीशन सोइल सूटेड फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, मतलब फसलों की अच्छी वृद्धि के लिए। गुड सीड बेड मतलब अच्छी भूमि की तैयारी होना आवश्यक है, और अच्छी भूमि की तैयारी केवल भूपरिष्करण की क्रियाओं के द्वारा ही की जा सकती है, ताकि भूमि में वायु संचार बना रहे। इसके अलावा भूमि में वायु संचार बने रहने के अलावा सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बनी रहे, ताकि फसलों की जो ग्रोथ है वो अच्छी प्रकार से हो सके। फिर है टू रिमूव द हार्ड पैन, जो भूमि की कठोर सतह होती है, भूमि की कठोर सतह को खोलना, ताकि भूमि में जो बीज हम डालें, वो बीज डालें वो नीचे तक जा सके, ताकि उसको एक उचित जो गहराई है उसमें जाए और उससे बुवाई अच्छी तरह से की जा सके। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ टिलेज, मतलब भूपरिष्करण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसमें भूपरिष्करण के प्रकार में हम देखेंगे सबसे पहले दो प्रकार के होते हैं, प्रिपरेटरी टिलेज और आफ्टर कल्टीवेशन टिलेज। तो प्रिपरेटरी टिलेज मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज एंड लेआउट ऑफ सीड बेड। अब हम बात करते हैं प्राइमरी टिलेज की। तो वह कृषि क्रियाएँ जो हम फसलों को, जैसे एक फसल के काटने के बाद जो दूसरे फसल के लिए हम बुवाई की तैयारियां करते हैं, कृषिकरण क्रियाएं करते हैं, वो आते हैं आपने प्राइमरी टिलेज के अंतर्गत। जैसे मान लो किसी फसल को काटा हमने, गेहूं की फसल हमारे पास लगी हुई है, और गेहूं को फसल को काटने के बाद जो हम अगली फसल लेने वाले हैं उसके लिए जो भूमि की तैयारी हम करेंगे, जो कर्षण क्रियाएँ करेंगे, वो प्राइमरी टिलेज के अंतर्गत आएगी। जैसे गहरी जुताई है, जुताई करेंगे, जुताई के बाद चीजल प्लो से भी कर सकते हैं, मोल्ड बोर्ड से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद प्लोविंग इज द ओपनिंग ऑफ कॉम्पैक्ट सॉइल, मतलब भूमि की जो कठोर सतह है उसको तोड़ने के लिए मुख्यतः भूपरिष्करण या प्राइमरी टिलेज के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है सेकेंडरी टिलेज। तो सेकेंडरी टिलेज वो टिलेज है जो हम प्राइमरी टिलेज के बाद मुख्यतः करते हैं। इसमें आ सकता है हैरोइंग, जैसे अगर हमने खेती की मतलब सॉइल जो है, तो सॉइल के जो पार्टिकल हैं वो स्मॉल भी हो सकते हैं, लार्ज भी हो सकते हैं और मीडियम भी हो सकते हैं। तो जो मीडियम साइज होते हैं, मीडियम साइज या स्मॉल साइज होते हैं, उसका जो क्ले का पार्टिकल होता है, जो क्लॉड होता है, उसका जो डायमीटर होता है 2 से 3 mm होता है। उसके अलावा जो लार्ज एग्रीगेट्स होंगे उसका जो एग्रीगेट्स जो हैं वो होंगे 5 mm के करीबन। ठीक है, और इसमें
निम्न क्रियाएं आ सकती हैं, जैसे हैरोइंग, जैसे अगर हम डिस्क हैरो चलाएं या डिस्क ब्लो चलाएं तो उससे क्या होगा कि जो बड़े ढेले होंगे, मिट्टी के बड़े बड़े ढेले होंगे, उनको डिस्क हैरो के द्वारा तोड़ा जा सकता है और भूमि को फाइनर बनाया जा सकता है। इसमें क्रियाएं आएंगी आपकी हैरोइंग, प्लैंकिंग और कल्टीवेटर। प्लैंकिंग का मतलब पाटा लगाना भी होता है, और ये जो होगा वो प्राइमरी टिलेज के बाद ही किया जाता है। अगला है लेआउट ऑफ सीड बेड। इसमें जो है ये एक प्रकार का लेआउट है, इसमें क्रॉप स्पेसिफिक ऑपरेशन है। जैसे हम मक्का की खेती भी करते हैं तो मक्का की खेती में किस प्रकार की भूमि का निर्माण होना चाहिए वो इसमें आता है, क्रॉप स्पेसिफिक ऑपरेशन में। फिर होता है ब्रॉड बेड फरो या ब्रॉड बेड। तो इसमें क्या होता है कि तीन लाइनें बना, तीन पंक्तियों से बना ली जाती है और उसके बाद एक खाली नाली हो जाए ताकि उसमें सिंचाई के पानी का बहाव आसानी से हो सके। फिर ले आउट ऑफ सीड बेड में अगला पॉइंट है रिज एंड फरो। तो रिज एंड फरो क्या होंगे, हम ये देखेंगे पहले कि अगर ये होंगे तो ये जो ऊपरी भाग होगा ये कहलाएगा रिज, और ये जो नीचे वाला भाग है वो कहलाएगा फरो। ठीक है, तो अगर जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्थाएं ज़्यादा हैं या वर्षा ज़्यादा होती है, जिन स्थानों पर वर्षा ज़्यादा होती है, तो जो वर्षा का पानी होगा वो यहाँ आएगा, यहाँ पे इकट्ठा होगा और यहाँ से इन्फिल्ट्रेट या परकोलेट होकर ज़मीन के नीचे चला जाएगा। तो जो रिज होगा जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी उन क्षेत्रों में रिज में बुवाई करेंगे। जैसे किसी मक्का की खेती की बुवाई, मक्का की बुवाई करना है तो वो रिज में करेंगे। ठीक है, और इसके बाद अगर जिन क्षेत्रों में बरसात कम होती है या जहाँ सॉइल मॉइस्चर कम होगा वहाँ पर फरो या जो जो गहराई वाला क्षेत्र है यहाँ पर बुवाई करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है ट्रेंचेस। तो ट्रेंचेस सामान्यतः नदियों के किनारे वाले क्षेत्रों में ये तरीका अपनाया जाता है। इसमें नालियों में नालियाँ बनाई जाती हैं और उसमें सब्जियों की खेती की जाती है। फिर इसमें अगला पॉइंट है आफ्टर कल्टीवेशन या इंटरटिलेज। इंटरटिलेज का सामान्यतः से मतलब है निराई गुड़ाई। अब निराई गुड़ाई करने के क्या उद्देश्य हैं वो हम सभी जानते हैं कि निराई गुड़ाई, जैसे अगर कोई स्टैंडिंग क्रॉप है तो उस स्टैंडिंग क्रॉप में खरपतवार सामान्यतः उगे हुए पाए जाते हैं, तो उन खरपतवारों को हटाने के लिए इंटरकल्टीवेशन टेक्निक्स अपनाई जाती हैं। इसे इंटरकल्टीवेशन या पोस्ट सीडिंग प्लांटिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होंगी, तो हैरोइंग होगी, होइंग, वीडिंग, अर्थिंग का मतलब मिट्टी चढ़ाना आदि क्रियाएं आफ्टर कल्टीवेशन या इंटरटिलेज ऑपरेशन के अंतर्गत करते हैं। फिर कुछ आते हैं स्पेशल पर्पज टिलेज, जिसमें है सबसॉइलिंग। तो सबसॉइलिंग का सीधा सा मतलब है कि मिट्टी को पलटना, जो नीचे की मिट्टी है वो ऊपर कर देना या मिट्टी को पलट देना, वो कहलाएगा सबसॉइलिंग। और सबसॉइलिंग के लिए जो प्लाव यूज़ करेंगे वो चीजल प्लो होगा या मोल्ड बोर्ड प्लो होंगे, यानी मिट्टी पलटने वाले हल। फिर अगला पॉइंट है क्लीन टिलेज। क्लीन टिलेज से मतलब है कि सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि फसलों में लार्वा प्यूपा वगैरह जो होते हैं वो ज़मीन में पाए जाते हैं, और उनको साफ़ करने के लिए जो मैकेनिक्स या जो इंस्ट्रूमेंट या जो यंत्र अपनाए जाते हैं वो क्लीन टिलेज के अंतर्गत आते हैं, ताकि जो लार्वा और प्यूपा से होने वाला नुकसान है वो कम किया जा सके। अगला पॉइंट है ब्लाइंड टिलेज। तो ब्लाइंड टिलेज, जैसे गन्ने की खेती है, तो अभी आपको बताते हैं इसको कि ब्लाइंड टिलेज में ये है कि अगर जैसे कोई ये कोई ज़मीन है और हमने क्या है जो शुगर कैन के जो सेट्स लगाए जाते हैं तीन आँखों वाले, ठीक है, तो ये जो होगा तो इनको हम बो दिए हैं। अब इनकी जो इमरजेंस स्टेज है वो आती है 30 डेज बाद, मतलब जो सीडलिंग निकलेंगी वो 30 डेज के बाद निकलेंगी, कहे कि शुगर कैन के जो सेट्स होंगे। ठीक है, तो जब 30 दिन के बाद निकलेंगे तो 10-15 दिन बाद यहाँ पर कुछ खरपतवार हमें दिखाई देंगे। फिर उसमें कल्टीवेटर के द्वारा जो ऊपर के जो वीड्स हैं उनको हम हटाते जाएंगे, वो आएगा ब्लाइंड टिलेज के अंतर्गत। फिर अगला पॉइंट है ड्राई टिलेज। ड्राई टिलेज में सामान्यतः ऐसी भूमियों पर जहाँ पानी की कमी है तो वहाँ पर ड्राई टिलेज किया जाता है। जैसे मान लो गेहूँ की कोई खेती हम कर रहे हैं और वहाँ पर हमें सामान्यतः जो टिलेज अपनाएंगे वो ड्राई टिलेज के अंतर्गत आएगा। जैसे इसमें एक उदाहरण देखते हैं कि अगर उदाहरण के लिए बताते हैं आपको कि ड्राई टिलेज में, जैसे अगर टिलेज का सीधा सा मतलब ये है कि मान लो अगर ये कोई सॉइल ऊपरी परत है और जो मिट्टी की निचली परत होगी अगर हम कल्टीवेटर के द्वारा एक निश्चित गहराई पर जुताई करेंगे तो नीचे वाली जो परत है वो हार्ड हो जाएगी। इसका सीधा सा नुकसान ये है कि अगर मान लो सिंचाई के साधन इन्फिल्ट्रेट होगा या सिंचाई के पानी इन्फिल्ट्रेट या परकोलेट होकर नीचे आया तो ये जड़ वाला जो क्षेत्र होगा यहाँ पर पानी इकट्ठा होने लगेगा,
और जब पानी इकट्ठा हुआ वो अगर वो इन्फिल्ट्रेट होकर हार्ड पैन से नीचे नहीं जा रहा है तो फिर होगा क्या कि ये जड़ हैं जो वो यहाँ पे पानी इकट्ठा होने लगेगा जिससे जड़ों का विकास नहीं हो पाएगा। ये आएगा आपका ड्राई टिलेज के अंतर्गत। अब अगला पॉइंट ये देखते हैं वेट टिलेज। तो वेट टिलेज सामान्यतः राइस या धान की खेती में देखने को मिलता है। राइस की खेती में पडलिंग, सभी जानते होंगे कि राइस की खेती है जो ज़्यादा पानी वाली या राइस के खेत में पानी भरना अत्यंत आवश्यक होता है। और यहाँ पे जैसे कोई राइस की क्रॉप लगी है तो राइस की क्रॉप के लिए क्या होगा कि यहाँ अगर इसको एक हार्ड पैन नहीं बनाएंगे यहाँ नीचे तो समस्या ये होगी कि जो पानी हम देंगे वो इन्फिल्ट्रेट या परकोलेट होकर नीचे की परतों पर जाता रहेगा। इसके लिए हमें करना क्या होगा कि पडलिंग क्रिया की जाती है। पडलिंग क्रिया का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि ज़मीन के कुछ नीचे या कुछ गहराई पे एक ऐसे हार्ड पैन का निर्माण कर दिया जाए जहाँ की जब हम पानी हो तो पानी इससे इस वाली परत से निचली परत से ये मुख्य भूमि हो गई जहाँ अपनी ज़मीन फसल लगी है इसके नीचे ना जाने पाए पानी ताकि हमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता ना पड़े। अगर यहाँ पानी रुक जाएगा तो फिर फसलों के जो इन्फिल्ट्रेशन है जो पानी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा वो राइस की क्रॉप के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो ये हो गया आपका वेट टिलेज। थैंक यू।